नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है द न्यूज टॉल्क पर, जहां पर हम जानने वाले हैं देश और दुनिया से जुड़ी 50 से भी ज्यादा बड़ी खबरें। तो वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दे, साथ ही आप कहां से यह वीडियो देख रहे हैं जरूर बताए। तो चलिए बिना देरी किए जानते हैं सभी बड़ी खबरें। एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग के लिए भारत गैस ने शुरू की नई सुविधा, बिना इंटरनेट वाले फोन से भी कर सकेंगे यूपीआई पेमेंट। वाईएसआरसीपी का पूर्व सीएम नायडू पर बड़ा आरोप, कहा अपने कार्यकाल के दौरान किया पेगासस से स्पायरवेयर का इस्तेमाल। गुजरात में इलेक्ट्रिक व्हीकल और बैटरियों की मैन्युफैक्चरिंग के लिए 10,445 करोड़ रुपए निवेश करेगी सुजुकी। यमन विद्रोहियों का सऊदी अरब पर ड्रोन और मिसाइल से अटैक, मकान और गाड़ियां प्रभावित। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में हार के कारणों के लिए देहरादून में 2 दिन तक कांग्रेस के नेता करेंगे मंथन, लोकसभा सीटों के आधार पर होगी समीक्षा। यूपी में अयोध्या में सरयू के पावन तट पर शपथ ग्रहण समारोह कराने की उठी मांग, वीएचपी नेता ने कहा रामनगरी से हो शंखनाद। कश्मीरी पंडितों के पलायन के लिए पाकिस्तान और आतंकवाद जिम्मेदार, जम्मू में बोले कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद। एक हफ्ते से ज्यादा नहीं चलेगा यूक्रेन युद्ध, रूस की उल्टी गिनती शुरू, सेना के पास खत्म हो रहा गोला बारूद और मैन पावर। दिल्ली में सरकार गठन में देरी पर केजरीवाल का बीजेपी पर तंज, ये अभी अंदरूनी कलह से जूझ रहे पंजाब में भगवंत मान ने काम भी शुरू कर दिया। यूपी की बीजेपी सरकार में सहयोगी दलों को भी चाहिए सबका साथ सबका विकास का तर्ज पर भागीदारी, दिल्ली में कह दी मन की बात। अब 8 हफ्तों के बाद भी लग सकेगी कोविशील्ड की दूसरी खुराक, एनटीएजीआई ने की सिफारिश। कांग्रेस नेता सुनील जाखड़ ने आम आदमी पार्टी पर कसा तंज, बोले पंजाब एक ऐसे सीएम का हकदार जो रिमोट से नहीं चलता। महाराष्ट्र में केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को मुंबई महानगरपालिका ने फिर भेजा नोटिस, 15 दिनों के अंदर अवैध निर्माण हटाने को कहा। राजस्थान में आधार मजबूत करने की तैयारी में आम आदमी पार्टी, जल्द होगी प्रदेश अध्यक्ष के नाम की घोषणा। वहीं दुनिया को डराने में जुटा उत्तर कोरिया, पहले की मिसाइल लॉन्चिंग और अब समुद्र में दागे गोले। वहीं इंडस्ट्रियल यूजर्स के लिए 25 रुपए महंगा हुआ डीजल, मुंबई में 122 रुपए प्रति लीटर पर पहुंचा डीजल का रेट। सपा का फिर माई समीकरण पर विश्वास, विधान परिषद चुनाव के लिए 14 यादव और 2 मुस्लिमों को दिए टिकट। केरल में फुटबॉल मैदान में हुआ भयानक हादसा, अचानक से टूटी गैलरी, दर्जनों लोग घायल। ऑफलाइन पेमेंट के लिए लॉन्च होगा यूपीआई लाइट, पेटीएम की तरह मोबाइल से कर सकेंगे ट्रांजैक्शन। राजस्थान में सड़क चौड़ी करने के लिए राम दरबार पर चला गहलोत सरकार का बुलडोजर, विरोध में हिंदू संगठनों ने लगाया जामर्ज, पीएसी तैनात। यूक्रेन में जारी है रूस का खूनी खेल, मारियुपोल में आर्ट स्कूल पर बरसाए अंधाधुंध बम, मलबे में दबे हो सकते हैं 400 लोग। योगी कैबिनेट 2 में ज्यादा जिलों को मिलेगा प्रतिनिधित्व, पूरब से पश्चिम को साधने पर रहेगा फोकस। महाराष्ट्र में द कश्मीर फाइल्स को लेकर संजय राउत का एक बार फिर से केंद्र पर निशाना, पूछा पाक कब्जे वाला कश्मीर भारत कब आएगा। सरकार पर यशवंत सिन्हा का बड़ा बयान, चुनाव जीतने के लिए तय हो रही आर्थिक नीतियां, राजकोष की चिंता नहीं। राजस्थान में ई टॉयलेट के टेंडर में धोखाधड़ी के मामले में वैभव गहलोत पर एफआईआर से गरमाई राजनीति, कटारिया बोले सूबे के गांधी के सवालों के जवाब। बिहार में लालू की आरजेडी में लोकतांत्रिक जनता दल का विलय, शरद पवार बोले बिहार का भविष्य है तेजस्वी। मारियुपोल में लड़ाई हुई तेज, शहर के भीतर घुसने लगी रूसी सेना, स्टील प्लांट हुआ बंद। भारत को हथियारों की आपूर्ति करने वाले देशों में रूस सबसे आगे, अमेरिका और इजराइल भी दौड़ में हुए पीछे।
रोजमर्रा के सामानों के लिए जेब करनी पड़ेगी ढीली। FMCG कंपनियां 10% तक बढ़ा सकती है कीमतें। कर्नाटक के सीएम बोम्बई ने की घोषणा, फैसला सुनाने वाले हाईकोर्ट के तीनों जजों को मिलेगी वाई कैटेगरी की सुरक्षा। इमरान खान की उल्टी गिनती शुरू, अविश्वास प्रस्ताव से पहले ताकत दिखाने के लिए इस्लामाबाद में करेंगे रैली, लोगों से की खास गुजारिश। बंगाल में बम हमले से बाल बाल बचे बीजेपी सांसद, शुभेंदु अधिकारी ने TMC पर साधा निशाना। सीएम केजरीवाल ने तय समय में पंजाब के मंत्रियों को काम पूरा करने का दिया अल्टीमेटम, कहा पद पर किसी का हक नहीं, घमंड ना करें। विदेशी बाजारों में मंदी, सप्लाई बढ़ने से सभी तेल तिलहन के गिरे भाव, अच्छा दाम मिलने से तिलहन की पैदावार भी बढ़ी। बांदा में गांवों से पलायन रोकने की कवायद, पंचायत पर रहेगी अफसरों की नजर, रोस्टर के मुताबिक नहीं आने पर होगी कार्यवाही। पाकिस्तान के सियालकोट मिलिट्री बेस पर जबरदस्त धमाका, सैन्य अड्डे पर किया जाता था गोला बारूद स्टोर। आसमी चक्रवात का दिखा असर, बारिश के चलते अंडमान निकोबार में आम जनजीवन प्रभावित, NDRF के 100 कर्मी तैनात। ऋषिकेश कर्ण प्रयाग रेल लाइन 12 स्टेशन, 17 सुरंग और 35 पुल, हिमालय के नीचे बन रहे 10 रेलवे स्टेशन, बद्रीनाथ धाम का सफर होगा आसान। अंतर्राष्ट्रीय मान्यता के लिए तड़प रहा तालिबान, कहा पूरी की सभी शर्तें, अब सरकार को ठहराया जाए वैध। मुंबई लोकल में सफर करने वालों के लिए अहम खबर, आज हॉर्बर लाइन पर रहेगा मेगा ब्लॉक, सेंट्रल वेस्टर्न लाइन पर असर नहीं। भगवत गीता से नहीं तो और किससे मिलेगी नैतिकता, कर्नाटक के सीएम बोम्बई ने कहा स्कूलों में इसे शामिल करने को लेकर हो रही चर्चा। इस सप्ताह शेयर बाजार के निवेशकों की संपत्ति में आया 7.5 लाख करोड़ का उछाल, रिलायंस को सबसे ज्यादा फायदा। तेलंगाना में द कश्मीर फाइल्स को लेकर बवाल, स्क्रीनिंग के दौरान लगे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, वीडियो हुआ वायरल। यूपी बोर्ड परीक्षाओं के लिए चलेगी स्पेशल ट्रेनें, CCTV की निगरानी में होगी परीक्षाएं। वहीं रिकॉर्ड हाई से 4000 रुपए सस्ता हुआ सोना। यूपी विधानसभा के बाद अब MLC चुनाव के लिए घमासान, विधान परिषद चुनाव की नींव को ब्लॉक प्रमुख अपनी पतवार से दिलाएंगे जीत का किनारा। गोवा में सरकार बनाने को लेकर अमित शाह के घर देर रात बैठक, JP नड्डा समेत कई नेता रहे मौजूद, जल्द ही होगा शपथ ग्रहण समारोह। उत्तराखंड BJP में CM तो कांग्रेस में नेता प्रतिपक्ष को लेकर लोबिंग शुरू, आलाकमान के फैसले का इंतजार। सरकार पर शिक्षा का भगवाकरण करने का आरोप लगाने वालों को वेंकैया नायडू ने दिया जवाब, बोले भगवा में गलत क्या। रूस पर प्रतिबंधों की बौछार, अब ऑस्ट्रेलिया ने दिया झटका, एल्यूमिनियम और बॉक्साइड के एक्सपोर्ट पर लगाया बैन। यूपी विधानसभा के जरिए लोकसभा चुनाव को साधने की तैयारी में BJP, 30 MLC की लिस्ट में 11 क्षत्रिय, 5 ब्राह्मण और 3 महिलाएं शामिल। ऐसे में दोस्तों आपका इस खबर पर क्या विचार है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।